बेसिकली ये चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड किस बारे में है? इट्स अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु वॉज विद हिज पेरेंट्स एंड दे विजिटेड अ फेयर. यू नो वॉट इज फेयर? फेयर मीन्स मेला, मेला है ना. तो देवर एंजॉइंग अ फेयर. सो द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, नॉट अ बिग चाइल्ड, स्मॉल. सो वेन एवर ही सीज एनीथिंग ही वॉन्ट्स इट, ही वॉन्टेड. बट हिज फादर वेन एवर ही आस्क, फॉर एग्जाम्पल ही आस्क फॉर बेलून. सो हिज फादर डिनाइड हिज रिक्वेस्ट एंड गेव हिम सम सिली रीजन. सो वेन एवर ही डिमांडेड एनीथिंग, हिज डिमांड वॉज इमीजिएटली डिक्लाइंड विद अ सिली रीजन. ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे. ये तो मैं समरी बता रहा हूं आपको कि क्या है. एंड इन बिटवीन द फेयर ही लॉस्ट इन द फेयर एंड हिज पेरेंट्स वर समवेयर एल्स एंड ही वॉज समवेयर एल्स एंड अ पर्सन फाउंड हिम. He tried to, and the child started crying that his parents are missing, his parents are missing. So, a person came to him and console him and tried to help him. ठीक है ना? But the only thing he wanted that time was his parents. And that's the story. अब अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा पढ़ना इसको. बुक सबके पास है आई होप. ऐसा कोई है जिसके पास बुक नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है ना. नहीं, ठीक है. द लॉस्ट चाइल्ड. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन. And Elise emerged a gaily clad humanity. देखो मतलब क्या हुआ इन सब चीजों का. Lane is street. जिसके पास अगर पेंसिल है घर में तो पेंसिल निकाल लो. मीनिंग में बता रहा हूं. Lane is street. Ellie is also a street. A डबल L E Y S, इसको भी स्ट्रीट बोलते हैं. ठीक है, गेरी जी ए आई एल वाई, इसका मतलब शाइनिंग, शाइनी क्लोथ्स. एंड क्लैड, क्लैड इज ड्रेसिंग अप, कपड़े पहन के तैयार होके बैठना. ड्रेस्ड अप. तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, द फेस्टिवल वॉज इन स्प्रिंग एंड द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद शाइनी क्लोथ्स. ऑल द पीपल वर वेयरिंग शाइनी क्लोथ्स एंड दे वर ऑल ड्रेस्ड अप. सब लोगों ने मतलब चमकीले कपड़े पहन रखे थे और ड्रेसअप होके घूम रहे थे लोग. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट बींग कैरिड इन बैम्बू
एंड बुलक कार्ट, मतलब सम पीपल वर वॉकिंग एंड सम पीपल वर राइडिंग ऑन हॉर्सेस एंड सम पीपल वर सिटिंग इन अ बुलक कार्ट एंड वॉज कैरिड और वर मूव्ड बाय द बुलक कार्ट. बुलक कार्ट मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी. कुछ लोग तो चल रहे थे, कुछ हॉर्स पे घूम रहे थे और कुछ लोग बुलक कार्ट है उसमें बैठे हुए थे और बुलक कार्ट उनको घुमा रही थी. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. अच्छा, ब्रिमिंग ओवर मतलब फुल ऑफ, ब्रिमिंग इज फुल. सो वन लिटिल बॉय ही वॉज फुल ऑफ जॉय एंड लाफ्टर एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर बाय मूविंग बिटवीन हिज लेग्स. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. कम चाइल्ड कम बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग द फेयर एंड हिज पेरेंट्स वर फार अवे फ्रॉम हिम सो दे टोल्ड हिम टू कीप द पेस विद देम एंड टोल्ड हिम दैट कम चाइल्ड कम बिकॉज ही वॉज लेगिंग बिहाइंड. वो पीछे पीछे छूट जाता था. क्यों? क्योंकि ही वॉज फैसिनेटेड. फैसिनेटेड मीन्स चार्म्ड. फैसिनेटेड इज चार्म बिकॉज ही वॉज वॉचिंग ऑल द टॉयज विच वर लाइंड अप इन हिज वे. कोई भी छोटा बच्चा होता है उसको क्या चाहिए? टॉयज चाहिए. तो टॉयज देखता है तो वो खुद बहुत खुश हो जाता है और उसी में खो जाता है. तो ऐसे ही था कि वो जो चाइल्ड था ही वॉज ऑल फैसिनेटेड विद द टॉयज. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. जल्दी से ही वेंट टू हिज पेरेंट्स एंड ही वॉज फॉलोइंग His mind and his heart was in the toys. Basically, his eyes were still lingering on the receding toys. वो सिर्फ टॉयज को देख रहा था. उसका दिल और दिमाग जो था वो सिर्फ टॉयज में लगा हुआ था. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Wo gaya and his parents stopped their walking and he came to his parents and he couldn't suppress his desire for asking for toys, even though he knew that his desire will be refused immediately. But still, he asked his parents for some toys. I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant way. His mother melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. Matlab,
उसने पेरेंट्स को बोला, फादर को, कि आई वांट अ चाइल्ड, आई वांट अ टॉय, आई वांट दैट पर्टिकुलर टॉय. हिज पेरेंट, हिज फादर लुक्ड, गुस्से से लाल हो गई उसके आगे, एंड ही वॉज लुकिंग एट हिम. ही न्यू दैट दिस इज द रिफ्यूजल ऑफ माई रिक्वेस्ट, बट हिज मदर लुक्ड एट हिम विद चार्म बिकॉज शी वॉज अ फ्री स्पिरिट. शी गेव हिम हर फिंगर टू होल्ड ऑन. बेसिकली वो उसको प्यार कर रही थी, कुछ कर रही थी, क्योंकि फादर ने मना कर दिया गुस्से में देख लिया, तो वो मदर उसको अच्छे से उसका जो ध्यान था वो इधर उधर भटका रही थी. बोली देखो फील्ड है यहाँ पे, फ्लावर्स हैं, मस्टर्ड फील्ड है, कितना अच्छा दिख रहा है. ये ऐसे करके उसको, उसका दिमाग जो था वो टॉयज से हटा रही थी. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अराउंड, सॉरी बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, गॉडी इज शाइनी एंड बस्टलिंग अबाउट इज मूविंग विद एनर्जी. ड्रैगन फ्लाइज क्या होते हैं किसी को पता है? इंसेक्ट होता है, हाँ बेसिकली, हाँ हाँ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज केम टूवर्ड्स हिम एंड द ग्रुप वॉज द what the wings of dragonflies were purple and the wings were shiny and he the group was moving around with energy around that boy. Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. And the group of dragonfly, they were stopping the, what you can say, intercepting the flight, intercepting the way ऑफ ब्लैक बी. ब्लैक बी क्या होता है? मधुमक्खी होती है ना ब्लैक कलर की, उसे ब्लैक बी बोलते हैं, ठीक है ना. सो ड्रैगन फ्लाइज वर स्टॉपिंग द वे ऑफ ब्लैक बी एंड द ब्लैक बी वॉज सर्चिंग फॉर स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. मतलब जो शहद बनाती है तो वो कहां से बनाती है? फूलों से, ठीक. द चाइल्ड फॉलोड देम इन, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड Try to catch it. जो चाइल्ड था वो गया और मतलब वो उसके पीछे लग गया. किसके? ब्लैक बी और इन सब के पीछे लग गया और उनको पकड़ने की, रोकने की कोशिश कर रहा था. गेज मतलब देखना, साइट होते हैं. गेज इज साइट, बट इट वुड गो
fluttering, flapping up into the air, but he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come. Come on to the footpath. And he was about to catch, but suddenly his mother called him और बोली वो कि कम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वॉक ऑन द फुट स्टेप्स, मतलब जो फुटपाथ है ना. हाँ मैंने क्या ये खत्म कर दिया है क्या, या मैं आगे बढ़ गया? तो फिर जो भी प्रॉब्लम है ना उसको मार्क कर लो अपने, और क्लास के बाद जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद खुद देखना डिक्शनरी में सारा, जो जो मेरे को बताना होता है बता देता हूँ. कुछ चीजें जो है वो आप खुद भी ढूंढो. Stuttering is fearing and flapping is how birds or anything which has wings moves his wings, that is flapping. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Basically, he ran towards his parents and he was very happy. And he was walking on the footpath. And he was enjoying the sun rays. And suddenly he was distracted by the worms and little insects which were teeming out. Matlab teeming out means came out, all the insects and the worm came out from their hiding place and they all were enjoying sunshine with that little boy. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Now his parents were tired, so they sat on the edge of a well and they called him, come child come, and the child ran towards his parents. Bhag ke apne parents ke paas pahunch gaya, chala gaya. A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब ये इसका मतलब क्या हुआ? ये शार, शार means जो कोई भी चीज धीरे धीरे आती है ना, बौछार टाइप, उसे बोलते हैं शावर. गैदर मीन्स कलेक्टिंग, कलेक्ट करना. और पेटल्स क्या होते हैं? फ्लावर्स की जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पेटल्स. सो ऑन द चाइल्ड अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स was started on the child as he
entered the groove. अच्छा, what is groove? groove क्या होता है? हाँ, as he entered the groove, the shower of young flowers started and he started collecting all the petals and in his hands and he forget about his parents. कि my parents are calling me, so I have to go to my parents. But he was so busy collecting all the petals that he forgot about his parents. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. मतलब क्या हुआ? जब वो अपने हाथ में इकट्ठा कर रहा था चीजों को, तो एकदम से उसको कुछ आवाजें सुनाई दी एंड एक डोव की, और वो चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला गया और उसके हाथ से जितनी भी ड्रॉप्स वो पेटल्स थी वो गिर गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स एंड वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड. और बच्चा जो था वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था, कभी मस्टर्ड फील्ड वो मस्टर्ड क्या बैनियन ट्री के अराउंड खेल रहा था, ठीक है ना कुछ कलेक्ट कर रहा था अपने हाथों में, और वो उसको फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, उसको अपने एंजॉयमेंट से मतलब था. और उसके जो पेरेंट्स थे वो मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड क्या होते हैं, सरसों का खेत, वहां से कहाँ चले गए, जो फेयर था उसकी तरफ जाने लग गए. अच्छा, ये बुक तो सबके पास है ही, ठीक है, तो मैं सिर्फ यहीं तक करा रहा हूं. आप अभी आपका आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 दिख रहा है सबको, तो पेज नंबर 3 जो है वो रीड करोगे आप लोग, और जो भी उसका मतलब है वो उसको समझोगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा और फिर अपन आगे करेंगे. पेज नंबर 4 और 5 जो है वो अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. कल ही तो है नेक्स्ट क्लास, है ना, तो कल आप पढ़ोगे इसको, मतलब आज आप पेज नंबर 3 जो है वो पढ़ोगे, ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? निलेश, हर्ष, ग्रोव का मतलब, बेटा ग्रोव कुछ नहीं है, मतलब एक एरिया है, मतलब एक तरीके से वो मान लो तो आप, कि जहां पे जो पेटल्स जो है वो उसके ऊपर उड़ उड़ के आ रहे थे.